ये ग्राउंड है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के बाद लैंडिंग होती है। ऊपर पहाड़ों से ये ड्राइव करते हैं। अभी ये पैराग्लाइडर की लैंडिंग हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको। अभी ये लैंडिंग हो रही है और बड़ा सेफली इन्होंने ये लैंड करवा दिया। तो काफ़ी बढ़िया लैंडिंग हुई। थोड़ा सा जस्ट यहाँ आके थोड़े इनके कपड़े गीले हुए हैं क्योंकि बारिश अभी हुई थी, और ये लैंडिंग हो चुकी है सेफली। और एक और ऊपर से फ्लाई होते हुए आ रहे हैं भाई साहब, ये भी लैंड करेंगे कुछ ही समय में। और यहाँ आकर अगर आप हौसला रखते हैं तो ये जरूर एक अच्छी चीज़ है करने वाली एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी बारिश हो रही थी 5-10 मिनट पहले, एक ऊपर से पैराग्लाइडिंग करने वाले और भी आ रहे हैं। तो ये सामने एक लैंडिंग हुई थी, एक ये और आ रहे हैं भाई साहब, ये भी लैंड होंगे। पीछे स्नो पड़ी हुई है पहाड़ पे, वहाँ पे भी जाना है। तो ये बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और इस ग्राउंड में स्पेशली ये इंटरलाकन के ग्राउंड में ये स्पेशली इस तरीके से ये खाली जगह छोड़ी गई है कि लोग यहाँ पे ये अकेले आए हैं। पहले एक पैसेंजर को साथ में लाए थे। हेलो, अभी भाई साहब करके आए हैं। यू आर फ्रॉम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। यू आर फ्रॉम अमेरिका। हाउ आर यू फील? इट इज डेंजरस और नॉट वेरी डेंजरस? नॉट वेरी डेंजरस। Well, I mean, it's you're so high up. It's, yeah. Yeah, I'm sorry about that. So you feeling good? Yeah. It's great experience for you. Very good experience. My favorite in Interlaken. Okay, so your first time been into here? Yeah, we stayed in Zurich for a while, 3 days, and then we went to Lucerne for 5 days, and now we're in Interlaken. Okay, thanks a lot. Thank you. So ये कह रहे हैं कि जी ये first time हमारा experience था ऐसा, और ये यूएसए से हैं और ये बहुत से लोगों का पहला एक्सपीरियंस होता है, आपका भी हो सकता है। और ये एक और ग्लाइडर्स हैं, ये भी अभी लैंड किए हैं। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, ये रॉड को पकड़ के लैंड करते हैं। ये रॉड को पकड़ के लैंड हुए हैं और ये फिक्स होता है। जैसे ये वाला तो अभी जो पेड़ पे लटका हुआ है ये पैराशूट की तरह है, बट लेकिन ये वाला जो अभी लैंड हुआ है ये समथिंग डिफरेंट है। अब इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये होटल है जिसकी बालकनी में बैठ के लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे होटल लेके रहना। और बिल्कुल सामने ये वाला ग्राउंड और यहाँ नीचे ये सारी मार्केट है, और यहाँ जो शॉपिंग करने वाले यहीं से शॉपिंग करते हैं। और यहीं से ही फिर जो ऊपर एक हिल स्टेशन है टॉप पे, वहाँ जाने के लिए फिर यहीं से बसें जाती हैं। ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, हूटर्स, तो इसमें फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ की जो ख़ास चीज़ है वो कॉफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छी है। आइए अंदर भी चल के दिखाते हैं आपको। ये बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने, और इन्होंने यहाँ पे ये लिख रखा है, यहाँ पे आप इनका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हर करेंसी में इन्होंने पीछे नोट्स का रखे हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी एंड ऑल वाइन आप हर चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे।